बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर मालूम करेंगे बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन आर एंड 1/V। इसके लिए हमारे पास सर्किट एक सीरीज सर्किट है जिसमें हम वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, की और बैटरी को एक सीरीज में लगाएंगे। बैटरी की ईएमएफ हमारे पास ड्रॉप होगी अक्रॉस वोल्टमीटर एंड द हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस को निकालते जाएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी और वोल्टमीटर पर रीडिंग कम होती जाएगी। हम इस तरीके से कम से कम 5 रीडिंग लेंगे, वोल्टमीटर पर रीडिंग का रेसिप्रोकल लेके आर के अक्रॉस प्लॉट करेंगे। आर को हम अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे और 1/V को अलोंग वाई एक्सिस लेंगे। ग्राफ को रिट्रेस करेंगे इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन इस तरह कि वो एक्स एक्सिस यानी आर एक्सिस को, तो उसके अगेंस्ट जो आर की वैल्यू होगी वो असल में रेजिस्टेंस ऑफ दी वोल्ट मीटर होगी। तो आइए अब हम प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल के लिए पहले से जानते हैं कि सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम ट्रेस करेंगे। इस सर्किट डायग्राम में हम बैटरी, की, वोल्टमीटर और हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को सीरीज में अटैच करेंगे। एरोज की मदद से हम करंट की डायरेक्शन भी शो करेंगे। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, जबकि वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को रेजिस्टेंस बॉक्स और की के साथ मिलाते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। अब हम सर्किट डायग्राम के मुताबिक सर्किट को जोड़ेंगे। सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को देखेंगे ताकि हम वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर सकें। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक तार लगाकर की के एक टर्मिनल के साथ अटैच कर दें और की के दूसरे टर्मिनल को रेजिस्टेंस बॉक्स के टर्मिनल के साथ अटैच करें। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल को वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दें। इस तरीके से सर्किट डायग्राम के मुताबिक हमने तमाम कंपोनेंट्स को आपस में अटैच कर दिया। अगर हम नोट करें तो बैटरी के एक टर्मिनल के साथ हमने वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के दूसरे टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को हमने रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल के साथ, जबकि रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल को की के एक टर्मिनल के साथ, की के दूसरे टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। इस तरीके से हमारे पास एक सीरीज सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब हम की को प्लग इन करके सर्किट को ऑन करेंगे। इस वक्त हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई रेजिस्टेंस नहीं निकाली। इसका मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस जीरो होने पर हमारे पास रीडिंग 2.2 वोल्ट हासिल हो रही है। अब हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसके अगेंस्ट वोल्टमीटर पर रीडिंग नोट करेंगे। सबसे पहले हमने 500 ओम की रेजिस्टेंस निकाली, तो उस सूरत में हमारे पास वोल्टमीटर पर रीडिंग 2 वोल्ट शो हो रही है। इसका मतलब आर की वैल्यू 500 ओम हो तो वी की वैल्यू 2 ओम है। अब हम 1000 ओम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास वोल्टमीटर पर रीडिंग 1.7 वोल्ट शो हो रही है। इसका मतलब 1000 आर के अगेंस्ट वी की वैल्यू 1.7 वोल्ट है। इसी तरीके से हम मुख्तलिफ रीडिंग्स 1500 ओम पर हमारे पास 1.5 वोल्ट,
इसके बाद हम 2000 ओम की रेजिस्टेंस निकालेंगे, निकालने पर हमारे पास रीडिंग 1.3 ओम शो हो रही है। दो हजार ओम के साथ हम 500 ओम की रेजिस्टेंस और निकाल लें तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 2500 ओम हो गई। इसके अगेंस्ट हमारे पास 1.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस शो हो रहा है। अब 3000 ओम पर रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर नोट करेंगे। इन रीडिंग से यह जाहिर हो रहा है कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं वोल्ट मीटर पर रीडिंग कम होती जा रही है। 4000 ओम पर 1 वोल्ट और 5000 ओम पर 0.9 वोल्ट हासिल हो रही है। मैंने इस वक्त 8 रीडिंग ली हैं। आप इनमें से कोई भी 5 रीडिंग ले सकते हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद अब डेटा को टेबुलेट करने के बाद हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे पहले बताया कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग हम रेजिस्टेंस लेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग 1/V लेंगे। ग्राफ बनाने का तफसीली तरीका हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग आर के लिए स्केल हम 1 बिग स्क्वायर को 1000 ओम के बराबर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास एक स्मॉल स्क्वायर 100 ओम के बराबर होगा। जबकि वाई एक्सिस के अलोंग 1/V को हम 1 बिग स्क्वायर को 0.2 पर वोल्ट के बराबर रखेंगे। इस तरीके से हमारे पास 1 स्मॉल स्क्वायर 0.02 पर वोल्ट के बराबर होगा और इसके मुताबिक हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेबल कर लेंगे। तफसीली तौर पे इस मेथड को हम ग्राफ ड्रॉ करने वाली वीडियो में देख सकेंगे। अब 500 ओम पर 0.50 1/V की वैल्यू है तो 500 ओम थाउजेंड और जीरो के दरमियान में वाक्य है और यहां पे 0.5 वैल्यू है। इसका मतलब हमारे पास 500 ओम 0.4 के बाद एक 0.5 वैल्यू यहां पे आएगी जिसमें 0.4 के बाद 5 स्मॉल डिवीजन और काउंट करेंगे तो हमारे पास 0.5 रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह 1000 के ऊपर 0.59 अब 0.59 चूंकि 0.58 और 0.6 के दरमियान में वाक्या है इसलिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो दोनों लाइनों के दरमियान में प्लॉट कर देंगे। इसी तरह 1500 पर 0.67 हमने ड्रॉ करना है तो 1500 पर 0.67 1500 यहां पे होगा उसके बाद 0.6 0.62 0.64 0.66 एंड हेयर इज 0.67। बिल्कुल इसी तरह 2000 पर 1.3 जिसका रेसिप्रोकल 0.7 इसका मतलब 2000 पर 0.77 लेंगे 0.6 अल्टीमेटली यहां पे 0.7 होगा 7.2, 7.4, 7.6 and 0.77। 2500 पर 0.83 2500 पर 0.8 एंड देन 1 0.82 एंड हेयर इज 0.83 3000 पर 0.91 0.9 और 0.91 यहां पे आ जाएगा 4000 पर 1 4000 पर 1
और आखिर पे 5000 पर 1.11 एंड 0.11। तो इस तरीके से हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट काम ये होगा कि हम इसको अब इन पॉइंट्स को मिलाती हुई एक एवरेज लाइन ड्रॉ करेंगे। एवरेज लाइन से मुराद कुछ एक ऐसी लाइन जिसमें कुछ पॉइंट्स उस लाइन से ऊपर हो सकते हैं, कुछ पॉइंट लाइन पर होंगे और कुछ पॉइंट लाइन से नीचे हो सकते हैं। यह लाइन इस ग्राफ के एवरेज ट्रेंड को जाहिर करेगी। अब हम रेजिस्टेंस एक्सिस को लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड के स्केल के मुताबिक लेबल कर लेंगे और फिर ग्राफ वाली लाइन को बैकवर्ड डायरेक्शन में रीट्रेस करते हुए इस एक्सिस के साथ मिलाएंगे। इस एक्स इंटरसेप्ट पर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हासिल होगी वो रेजिस्टेंस ऑफ दी वोल्टमीटर कहलाएगी। हमारे केस में रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर 3100 हासिल हो रही है। ग्राफ बनाने का तफसीली तरीका दूसरी वीडियो में दिखाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है कि आज के इस प्रैक्टिकल की आपको समझ आ गई होगी और आप लैब में बड़ी आसानी से इसको परफॉर्म कर सकेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लैब वर्क।